अक्सर हम बड़े पर्दे पर आने वाली हीरोइनों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि उनको ये मुकाम कैसे मिला, किन किन पड़ावों को पार करके वो इस मुकाम पर पहुंची हैं, कि आज उनको दुनिया सलाम कर रही है। कई बार तो एक्ट्रेस खुलकर बोलती हैं, लेकिन जब मीटू कैंपेन शुरू हुआ तब से बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने ऊपर यौन शोषण पर खुलकर बात करने लगी हैं। तो वहीं हाल ही में एक्ट्रेस पद्मा लक्ष्मी ने अपनी आप बीती सुनाई। उनकी इस कहानी को सुनकर हर कोई दंग रह गया। बता दे कि पद्मा लक्ष्मी का बचपन में उनके रिश्तेदार ने जघन्य अपराध कर लिया था उनके साथ, और इस बात के बारे में जब उन्होंने अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने उनको भारत भेज दिया। लेकिन कहते ना, जब किस्मत खराब होती तो इंसान कहीं भी चला जाए उसके पीछे मुसीबत लगी रहती है। भारत आने के बाद 16 साल की उम्र में उन्होंने एक लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया जो उस वक्त 23 साल का था। उसने भी इनके साथ एक रात जघन्य अपराध कर लिया। इसके बाद उनके साथ कई बार ऐसा हुआ। बता दें कि उन्होंने इस बात को कभी किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि हर कोई उनको ही गलत ठहराता है। इसलिए मीटू कैंपेन के द्वारा पद्मश्री लक्ष्मी ने पहली बार बताया कि उनके साथ बचपन में ही कितनी गंदी गंदी हरकत हो गई थी। एसपीएन न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।